हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, और ये है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके अंतर्गत ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसका अंग्रेजी मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज संस्था है और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं इन संस्थाओं के आने के। ज़्यादातर इनमें पूछा जाता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनकी स्थापना कब हुई और इनके जो अध्यक्ष है या अन्य जो अधिकारी है वो वर्तमान में कौन है या फर्स्ट कौन थे। इस इनसे संबंधित क्वेश्चन आज हम इसमें देखेंगे। अब तक ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है देवरत्न उइके। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और 16 अक्टूबर को ही हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, और यानी कि 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय है रोम में, जो कि है इटली में। सदस्य देशों की बात करें तो 194 इसके सदस्य देश है। इसमें से जो यूएन यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो इसके इनडायरेक्टली रूप से इसके सदस्य बन जाते हैं, जो भी इसकी संस्थाएं रहती है यूनाइटेड नेशंस संबंधित। इस प्रकार इसके 194 जो राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं। इंडिया के रोल की यदि बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये फाउंडिंग मेंबर है और स्टॉन्च पार्टनर है सिंस 1948 से, 1948 से स्टॉन्च पार्टनर है और फाउंडिंग मेंबर भी है। उद्देश्यों की यदि बात करें तो कृषि उत्पादन, वानिकी, कृषि विपणन संबंधी शोध का विषय का ये अध्ययन करता है ये संस्था जो भी है, और यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान का भी एक मंच है। अन्य उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक भुखमरी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का ये नेतृत्व करती है। मुख्य अधिकारियों की यदि बात करें तो इसके अध्यक्ष है जैक्स डियोफ, सेनेगल देश के ये हैं, और आधिकारिक भाषाएं है इसकी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबेक शहर कनाडा में हुई थी। ये इसके जो स्थापना है बहुत ही रोचक है, जैसे जैसे हम वीडियो आगे बढ़ेंगे आपको पता चलते आएगा। 1945 को क्यूबेक शहर में कनाडा में हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, 1951 में इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी से रोम स्थानांतरित कर दिया। जो रोम था वो पहले से इसका मुख्यालय नहीं है, पहले इसका मुख्यालय था वाशिंगटन डीसी, उसके बाद 1951 में इसका जो मुख्यालय है वो रोम स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में 194 इसके सदस्य राष्ट्र हैं और यूनाइटेड नेशंस फेरो द्वीप समूह भी इसमें सम्मिलित है, जो कि इसके एसोसिएट सदस्य हैं फेरो द्वीप समूह। FAO के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर FAO के प्रथम महानिदेशक थे, जो कि ब्रिटेन के थे। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की यदि बात करें FAO की तो ये है, पहला कोडेक्स एलिमेंटेरियस, और दूसरा जो है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1952। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि पौधों में जो कीट लगते हैं जिसको अंग्रेजी में इंसेक्ट्स कहते हैं, पौधों को इनसे बचाने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। FAO से संबंधित यदि कोई प्रोजेक्ट आए तो इन दोनों में से कोई एक आने की संभावना जरूर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।